hello everyone welcome to commerce net scholars i hope you all are perfectly fit and fine and you are being regular with the studies in today's video we will be discussing all about derivatives what derivatives are how is the dealing done into the derivatives market at the same time we will understand the different types of equity derivatives that are prevalent prevalent in the market how are they working all that we'll be discussing in today's video, but before starting, as you all know, a reminder for you all watch the video till the end. Do give it a like if you really like the video, share it with your friends as much as possible, and most important of all, subscribe the channel if you haven't subscribed yet. Let's proceed with today's topic that is derivatives. Let's first understand what derivatives are. A derivative is a financial security with a value that is reliant upon or derived from an underlying asset. और ग्रुप ऑफ एसेट्स यानी कि सिंपल सी चीज में दे कैन ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी और एन इन्वेस्टमेंट वेयर इन यूर इन्वेस्टिंग मनी बट इनकी जो वैल्यू होगी इट विल बी डिपेंडेंट ऑन सम अदर Uh, asset or some group of assets. Now, these other assets or group of assets can be the stocks, it can be bonds, it can be commodities, it can be the currencies in which the trading is done, it can be the interest rates, or it can be the performance of the different market indexes. Anything for that matter which is deriving its value from some other asset or other group of assets will be defined as a. डेरिवेटिव नाम से ही इसका मतलब आपको काफी हद तक समझ में आ रहा होगा डेरिवेटिव में जो वर्ड है वो है derive करना. Derive करना मतलब किसी और चीज से मीनिंग निकालना तो सेम चीज पर भी इंप्लीमेंट होती है जब आप किसी सिक्योरिटी की वैल्यू किसी और असेट से या ग्रुप ऑफ एसेट से निकाल रहे हो तो वो कहलाएगा आपका डेरिवेटिव प्रोसीडिंग फर्दर लेट्स डिफरेंट टाइप्स दैट वी फॉर डेरेवेट सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आता है हमारा फॉरवर्ड्स फॉरवर्ड और ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट्स. डिटेल में समझ लेते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिनके जो भी डीलिंग होगा उनका जैसे रेट है या डेट क्या है उनके परफॉर्मेंस का क्वालिटी क्या होगी गुड्स की क्वॉन्टिटी क्या होगी प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगा हर एक चीज एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो जाएगा लेकिन इसका जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होगा वो किसी फ्यूचर डेट पे होगा बाकी हर चीज कितने मॉनेटरी uh, वैल्यू में ये ट्रांजैक्शन होना है उसका रेट क्या होगा डेट क्या होगा क्वालिटी होगी क्वांटिटी क्या होगी हर एक चीज एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ही डिसाइड हो जाता है ऑन दी अदर हैंड अगर हम फ्यूचर्स की बात करते हैं तो इट इज इट इज ट्रेडेड थ्रू द एक्सचेंज इट बिकम्स अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सिचुएशन uh, डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आप एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में जो हो रही है वो अभी हो रही है ऑन स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि फ्यूचर में रेलेवेंट होंगे और जो भी सेटलमेंट होगा डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होगा फॉर द सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो फ्यूचर डेट का होगा यानी कि फ्यूचर में जिस रेट पर भी जो भी वैल्यू प्रेविलेंट होगी उसी रेट पे ट्रांजैक्शन होगा ना कि अभी के डिसाइडेड रेट पे ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्शंस ऑप्शंस में दो चीजें होती हैं यू हैव ऑप्शन टू बाय और नॉट टू बाय और यू हैव ऑप्शन टू सेल और नॉट टू सेल ठीक है sell, तो इसमें uh, समझने वाली बात यह है कि से फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे किसी कमोडिटी uh, में या किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना है और जिस पर्सन के साथ मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ आई एम टू से टेलिंग दैट पर्सन कि इट इज़ अवेलेबल टू मी फ्रॉम यू एट अ रेट लोअर देन द मार्केट रेट देन आई एल बी परचेजिंग इट फ्रॉम यू एस आई विल बी परचेजिंग इट फ्रॉम दी मार्केट तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास आ गया ऑप्शन की या तो मैं तुमसे लूंगा या मैं कहीं और से लूंगा सो दिस इज समथिंग वेर इन यू हैव एन ऑप्शन इसमें एक पार्टी के पास राइट right होता है एंड द अदर पार्टी हैज नो राइट बट ओनली दब्लीगेशन टू परफॉर्म दीजें आएंगी इसमें आदर टू बाय और नॉट टू बाय और टू सेल और नॉट टू सेल बाय विल यूजली बी रेफर टू एज कॉल एंड सेल और नॉट टू सेल विल रेफर टू एज पुट ठीक है लास्ट और फोर्थ टाइप जो है हमारा डेरीवेटिव का वो कहलाता है स्वैप्स स्वैप्स वो डेरिवेटिव होते हैं जहां पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं हु अग्री टू एक्सचेंज द स्पेसिफिक कैश फ्लोज इसमें एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम किसी नियर फ्यूचर में यहां पर जैसे आप डेफिनेशन देख सकते हो वन पार्टी पेज अ फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट एंड द अदर पार्टी पेज अ फिक्सड इंटरेस्ट रेट यानी कि जो भी फ्लक्चुएशन हो रहे हैं फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट रेट flexible rate बी the इट एट will विल बी it इट एट fixed रेट स्वैप्स में दो चीजें होती है आपके पास एक होता है आपका करेंसी स्वैप और दूसरा होगा आपका इंटरेस्ट रेट स्वैप करेंसी स्वैप में आप करेंसीज दो डिफरेंट करेंसीज पे आप ट्रांजैक्शन करो इंटरेस्ट रेट में आप डिफरेंट रेलिवेंट इंटरेस्ट रेट्स पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो बेसिकली यहां पर स्वैप्स uh, में एक एग्रीमेंट होता है कि आप यू आर गोइंग टू एक्सचेंज सम वैल्यू वेदर इट इज अ कैश फ्लो और वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द करेंसी और वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कैश फ्लो होगा यहाँ पे कोई एक्चुअल सेल या परचेज ट्रांजेक्शन नहीं होता है इट इज रादर ओनली कैश फ्लो ऑफ द रेट्स दैट आर प्रिवल इन द मार्केट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन दी नियर फ्यूचर सो आई जस्ट होप कि डेरिवेटिव का बेसिक मीनिंग और ये जो चार टाइप्स के डेरिवेटिव है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक ना ही सिर्फ यूजीपीजी लेवल एक्सामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर अपकमिंग नेट एग्जामिनेशन सो प्लीज अंडरस्टैंड इट रेली वेल एनी डाउट और कन्फ्यूजन यू कैन मेंशन डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो अगेन आर रिमाइंडर सब्साइब द चैनल इफ यू आएव सब्सक्राइब गेट दट फॉर टुडे थैंक यू एंड एवनाइजे